हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल व्लॉग्स बाय गीता शर्मा। मेरे इस चैनल पर आपको हर तरह की वीडियो मिलेगी, चाहे मैं कपड़ा खरीद कर लाती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, या मैं कोई भी डीआईवाई करती हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ। हर तरह की वीडियो मैं बनाती हूँ इस चैनल पर, जो कि सभी यूजफुल होती हैं। और ये वीडियो भी होने वाली है बहुत ही यूजफुल। वीडियो को आप पूरा देखना, काट काट कर नहीं देखना। यहाँ पर देती रहती हूँ मैं अच्छे अच्छे आइडिया आप लोगों को। और अगर आप कटिंग, स्टिचिंग, डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट चैनल फैशन बाय गीता शर्मा को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर अभी ही मैंने वीडियो डाली है। और ये सिंपल सूट के कपड़े से इतनी डिजाइनर कुर्ती मैंने बनाई है, तो आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, कि आप कैसे कैसे अपनी कुर्ती को लूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत होती है कि हमारा कुर्ती टाइट हो जाती है और कपड़ा हमारे पास होता नहीं है। तो हम कैसे अपनी कुर्ती को सही कर सकते हैं, वो ही आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और जो कि बहुत ही आसान तरीके मैं आपको बताऊंगी। आपकी कुर्ती कैसी भी हो सकती है, कढ़ाई वाली भी हो सकती है, प्लेन भी हो सकती है। प्लेन कुर्ती अगर हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, पर अगर कढ़ाई वाली है तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुर्ती जब टाइट होगी तो ऊपर से नीचे तक पूरी टाइट होती है। तो आप क्या कीजिए, पूरे में कुर्ती के मैचिंग की लेस खरीद लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास सेम कपड़ा कुर्ती का तो होगा नहीं, कोई बात नहीं, अलग कलर का जो उससे मिलता जुलता है वो कपड़ा लगा दीजिए, उसके ऊपर वो लेस लगा दीजिए। क्योंकि देखिए, लेस तो मिलती जुलती जरूर ही मिल जाती है, चाहे आपका जो सूट है वो कैसी भी कढ़ाई का है, मिल जाती है। और अगर नहीं भी मिलती है तो कंट्रास्ट कर लीजिए। कंट्रास्ट करके दो लेस लगाइए, दो दो इंच की दोनों तरफ। एक तरफ से 4 इंच आपकी जो कुर्ती है वो ढीली हो जाएगी ऊपर से नीचे तक। ठीक है, और रही स्लीव्स की, अब स्लीव्स टाइट हो गई तो स्लीव्स में तो यार कैसा भी डिजाइन डाल दीजिए, कट भी डाल देंगे तो पूरी स्लीव्स ऐसे खुली हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। तो स्लीव्स की तो टेंशन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि स्लीव्स में तो एक पूरा कट भी लगा दिया ना, तो वो भी डिजाइन हो जाएगा। तो आप ऐसे कीजिए, कोई भी तरह की कुर्ती ठीक कर सकते हैं ऐसे। या फिर आप कर सकते हैं कि पूरी कुर्ती के साइड में कोई भी उससे कंट्रास्ट कपड़ा लगा दीजिए, वी शेप में, यानी एक कली लगा दीजिए। जितनी भी आपको कुर्ती टाइट है उसी हिसाब से, 2 इंच कुर्ती है या 4 इंच कुर्ती है टाइट, तो साइडों में कलियां लगा दीजिए। और साइडों में कलियां लगा कर ना एक डिजाइनर कुर्ती हो जाती है। साइड में आप पिक देखिए, अब ये किसी डिजाइनर ने ही तो बनाई है, ज्वाइंट लगाए हैं हमारी तरफ से। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि ज्वाइंट ज्वाइंट लगाकर जब कुर्ती बनाई जाती है ना, तो वो और भी अच्छा लुक देती है, और भी डिजाइनर लुक देती है। तो ऐसे मैं बहुत सारा करती रहती हूँ। देखिए, ये इस तरीके से मैंने अपनी कुर्ती ठीक नहीं की, पहले की थी, जो कि अभी मेरे पास नहीं है, तो ही मैं आपको आइडिया देती हूँ। मैं ऐसे ही सिर्फ पिक दिखाकर आपको आइडिया नहीं देती हूँ कि मतलब पिक दिखा दी और छुट्टी, मेरा काम खत्म। नहीं, ऐसे मैंने ठीक की हैं कुर्तियाँ, कुछ अपने कस्टमर्स की हैं जिनको बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, उनकी कुर्ती बहुत अच्छी होती है, महंगी होती है, उनका फेंकने का मन नहीं होता। पर लेकिन हाँ, मैंने कुर्ती सही की है, ऐसे ही कली लगाई साइड में और थोड़ा डिजाइनर कुर्ती हो गई, अच्छी भी लगती है, ऐसे आप कर सकते हैं। और अगर सिर्फ आपकी चेस्ट ओके है ना, तो सिर्फ हिप से नीचे नीचे कली लगा दीजिए आप, तो भी अच्छी हो जाएगी। या फिर आप, अगर आपकी प्लेन कुर्ती है कोई और वो टाइट हो गई है, वो आपको बहुत पसंद है, तो बीच में से कट लगाकर, नेक को हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना किसी भी सूट में, हमें नेक को नहीं छेड़ना, क्योंकि अगर हमने गले के बीच में कुछ भी लगा दिया ना तो गला फैल जाएगा, सारा ही सिस्टम बिगड़ जाएगा। नहीं, गले को छोड़ दीजिए। गले को छोड़ने के बाद 2-2 इंच की पट्टियां सीधी फ्रंट और बैक पर दोनों पे लगा दीजिए। ये पट्टी आप कढ़ाई की भी लगा सकते हैं, लेस की भी लगा सकते हैं। इस कुर्ती में तो प्लेन लगी हुई है, आप कढ़ाई और लेस की भी लगा सकते हैं पट्टियां, जो कि अच्छी लगेगी और एक डिजाइनर कुर्ती का लुक हो जाएगा उसका, सिंपल से और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग सोचेंगे इतनी मेहनत करने से अच्छा तो हम फेंक दे, पर लेकिन कुछ कुर्तियों को नहीं फेंका जाता है, वो बनाते ही या पहनते ही एक दो बार में टाइट हो जाती है, तो उनका मन तो हमारा खोलने का करता है कि यार हम इसे कैसे भी करके सही कर लें। तो मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ कि अगर आपकी कुर्ती आपको पसंद है और आप उसको लूज करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। इसमें तो कुछ है ही नहीं, गला आपने छोड़ दिया, कंधे थोड़े बड़े जाएंगे ना, कंधे को कट कर दीजिए, वैसे ही कटिंग वटिंग कर दीजिए, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आसान से आसान तरीका मैंने आपको बताया है। या फिर आपका जो पूरा ऐसे गला वाला कढ़ा हुआ है नीचे, मतलब कढ़ाई वढ़ाई हो रखी है,
तो साइडों में आप कपड़ा लगा सकते हैं, बीच वाले पोर्शन को छोड़ दीजिए और साइडों में कपड़ा लगा दीजिए, तो भी एक सुंदर कुर्ती, डिजाइनर कुर्ती रेडी हो जाएगी। साइड में आप पिक देखिए, इसमें भी तो साइडों में कपड़ा ही लगा रखा है, और भी अच्छा लग रहा है। और अगर आपकी कुर्ती है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कुर्ती पेट से आपको टाइट हो गई है, तो आप, बहुत ही अच्छा तरीका है और सिंपल तरीका है। जैसे मैंने अभी कुर्ती बनाई है, साइड में पिक देखे, ये वाली मैंने पूरी साइड से ओपन रखी है, ये तो कुछ नहीं करना है, अपनी अम्ब्रेला कुर्ती को साइड से ओपन कर दीजिए, अच्छा नया लुक हो जाएगा और कुर्ती भी लूज हो जाएगी। बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करना चाहते, और थोड़ा सा ही फर्क है सिर्फ कुर्ती में, ज्यादा मार्जिन नहीं चाहिए। तो क्या कीजिए, अपनी जो कुर्ती को है, जहां तक टाइट है वहां तक खोलिए, थोड़ा सा कपड़ा लगाइए, और लुक भी लगाकर बटन वटन का डिजाइन दे दीजिए। छुट्टी खुल गई, 2-2 इंच, 3-3 इंच आराम से खुल जाती है। और स्लीव्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया, स्लीव्स के लिए तो कोई भी, किसी भी स्लीव्स में बीच में कट लगाइए, बीच में कट लगाने के बाद, उसे कट ही रहने दे, कट लगाने के बाद प्लेस लगा दीजिए, हो गया स्लीव्स का भी, कम से कम 2-2 इंच का काम हो गया कि 2-2 इंच स्लीव्स भी खुल जाएंगी। तो हो तो सब कुछ सकता है, पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसे ही मैं हर चीज को लूज भी करती रहती हूँ, ऐसे हर चीज को मैं टाइट भी करती रहती हूँ, वो मैं सब कुछ आपको चैनल पर आइडियाज देती रहती हूँ। तो कैसा लगा है ये आइडिया भी, जो कि मैंने बहुत ही आसान तरीका आपको बताया है, और बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं है, बस थोड़ा सा कंट्रास्ट कपड़ा, लेस चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी कुर्ती बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइए, आने वाली वीडियोज में बहुत कुछ है आप लोगों के लिए देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर। बाय फ्रेंड्स, बाय।